सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा आज का छोटा सा एक नोटिफिकेशन वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग इस बार HS पास हो चुके हैं और BCom में जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोस्पेक्टस है केसीदास कॉमर्स कॉलेज का, मैं भी यहीं का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा, BCom में आप लोगों का एक चेंजेस आ गया है, ठीक है। तो जो भी चेंजेस आया है ना, उन सारे चेंजेस के बारे में बात करेंगे और एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम उतना बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता है समर्स पोर्टल पे जाके आपको रजिस्टर करना होता है, प्लस कॉलेज का जो वेबसाइट होता है वहाँ पे भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए हम पहुँचते हैं यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं और केसीदास कॉमर्स कॉलेज के थ्रू हमें मिल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। तो आपको पता है गुवाहाटी में केसीदास कॉमर्स कॉलेज है, आई गेस सेकेंड जो है कॉलेज का रैंक होता है गुवाहाटी में। फर्स्ट आपका GCC आ जाता है, दूसरा KC, कभी कभी KC भी ऊपर चला जाता है वो रैंक के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको ये सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल मिलेंगे। HS हो गया, BCom हो गया, BBA, BCA, BSc, BA, BCom, PGDCA, ऐसे विग्नू के थ्रू सब मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब अकाउंटेंसी में पहले हमारे पास में ना तीन मेजर हुआ करता था, अकाउंटेंसी था, फाइनेंस था और मैनेजमेंट था। अब इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दो अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो आपके पास चार मेजर का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ वैल्यू एडेड कोर्सेज का बता दिया गया है, तो ये सब आप जब डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। हम उतना उधर नहीं जाते हैं, अभी पहुँचते हैं अपने कोर्सेज ऑफ स्टडी, क्या क्या कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहले तो आपको पता है कि HS जो होता है 2 साल के लिए होता है। BCom में इस साल से क्या चेंज किया गया है, आपको जैसे पता होगा ऑलरेडी कि BCom अपना जो है अब कितने साल का हो गया, 3 to 4 years, ठीक है। मतलब 3 साल प्लस 1 साल और, तो 4 साल। उस 1 साल में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको आपको बाद में पता चलेगा कॉलेज में जाने के बाद, या सही से जब एक फ्रेश पूरा जब आ जाता है गाइडलाइन तब। अभी के लिए हमें यही इन्फॉर्मेशन मिला, तो अभी हम इसी को मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे मेजर मिल सकते हैं, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे दिया हुआ है। और जितना भी जो आपका डिग्री प्रोग्राम है, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जितना भी है, उन सभी में क्या कर दिया गया, 8 सेमेस्टर तक चला जाएगा, 6 से 8 सेमेस्टर से दिया गया, ओके, 3 से 4 साल। अब यहाँ पर आते हैं कि आपके लिए क्या नया है। देखो यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, आप ऐसा समझ के रखो, जो लोग 10 पास है 11 के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो 12 पास है BCom के लिए एलिजिबल रहेंगे, जो BCom पास है वो MCom के लिए एलिजिबल रहेंगे, इस तरह से। बट सब में क्या होता है, कट ऑफ जाता है अपने कॉलेज का, तो वो कट ऑफ को मेंटेन करना पड़ता है। नॉर्मली आपका HS का कट ऑफ शायद 75 से 80 के आसपास चला जाता है और BCom का जो होता है वो 70 से 75, ऐसा हम मान के चलते हैं एक एवरेज, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा BCom के लिए। अभी इधर देखते हैं, हाँ, सो इनटेक कैपेसिटी, मतलब कॉलेज का इनटेक कैपेसिटी क्या है, तो ये आपको पता होगा HS में 300 है और BCom में 750 है, और इसके अलावा बाकी सारे का भी यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी हटा देते हैं अभी। अब ये हमारे लिए काम का है, आपको पता है ऑलरेडी हमें ये चीज़ आ चुका है कि HS में जो है क्या क्या चेंज आया है, तो इसको भी हम बात नहीं करेंगे, सिंस अभी हम BCom वाले के लिए बना रहे हैं तो BCom पे ही मेन फोकस रखते हैं अपना। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए चेंजेस आया है। अब क्या हुआ है, लास्ट ईयर जो CVCS का जो पैटर्न था उसके अंदर में पेपर कुछ अलग अलग हुआ करते थे, इस बार थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। फिर से सेमिस्टर वन में आपको 3 जो है आपको तो कोर मिल रहा है, मतलब 3 तो आपको लेना ही है। BOED था, पहले BOED था, अभी BOM हो गया, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, BOM, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले भी था, अभी भी है, मतलब लास्ट सेशन जो लोग पढ़े होंगे लास्ट उन लोगों के लास्ट सेशन के लिए भी था, इस सेशन के लिए भी रहेगा, ठीक है। IFS ये पहले शायद नहीं था, जो कि इस साल डाला गया, ये हम लोगों ने अपने BCom के टाइम में फाइनेंस एक पेपर में मिला था, शायद सेकेंड या थर्ड सेम, उतना याद नहीं, बट हम लोगों के टाइम में था, तो कुछ चेंजेस के साथ आएगा। इसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी बोल के दे के रखा हुआ है, तो ये शायद सभी के लिए हो, किसके लिए हो, मतलब आर्ट कॉमर्स साइंस इस तरह से कुछ करके दिया जाएगा, तो ये देखना है अपने को। बिजनेस मैथमेटिक्स एक रहेगा, ये पहले आता था फर्स्ट सेम में, पहले हम लोग के टाइम में बिजनेस मैथमेटिक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों एक साथ फर्स्ट सेम में आता था, बट अभी जो है चेंज हुआ था लास्ट, अभी जो है हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स आई थिंक जो ऑनर्स वाले थे उन लोगों को 4th सेमेस्टर मिलता था, अब जो है फिर से वो 1st सेमेस्टर में आ गया, ठीक है। देन EVS जो है 1st सेमेस्टर में रहता ही है, एक बार BCom में जो है, BCom पूरे में एक बार EVS, कोई भी एक सिलेबस करोगे, कोई भी एक कोर्स करोगे, एक बार EVS पढ़ना पड़ता है, तो वो अपने आप रहेंगे, वो अपने को मिलेगा ही। एक नया चीज़ दिखा है यहाँ पर, MIL और इंग्लिश, ये आपको एक मिल जाता है। पहले क्या था वो कुछ एक फंक्शनल इंग्लिश या कुछ एक कम्युनिकेशन के लिए, हाँ, इस तरह का एक पेपर हुआ करता था, तो अब उसको हटाकर ऑल्टी इंग्लिश डाल दिया गया। इंग्लिश में अल्टरनेटिव है आपके पास में, और एक MIL है, मतलब कि आप चाहो तो हिंदी भी ले सकते हो। अभी कितना क्या आएगा सिलेबस के बाद ही पता चलेगा, ओके। तो आपके पास अभी के लिए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है BCom के बारे में यही है कि
ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपने आप पहले था ही और रहेगा ही, बिजनेस मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही था, आगे पीछे हो गया होगा, और ये एक मुझे नया दिख रहा है। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस है, सेकेंड सेम में क्या मिल जाएगा हमें, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रहेगा, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगेन शायद बिजनेस इकोनॉमिक्स को कुछ ऑप्शन शायद दिया जाएगा या क्या किया जाएगा, जैसे कि लास्ट सेम में कैसा चल रहा था कि कोई बच्चा अगर इकोनॉमिक्स ना पढ़े तो भी बीकॉम कर सकता, बट इस बार फिर से मुझे लगता है कि वो कंपलसरी कहीं ना कहीं हो ही जाने वाला है। देन एक आईटी है और उसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर अगर बिजनेस कम्युनिकेशन है मतलब ये जो इंग्लिश है ये अलग होगा। ठीक है, ये जो आपका लिटरेचर वाला जो इंग्लिश पोर्शन होता है, ग्रामर वाला होगा, वो वाला शायद आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन नया आया है CBCS के पास ही, इनकम टैक्स पहले भी था अभी भी रह जाएगा थर्ड सेम में, देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस वो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। ओके, इसके अलावा और क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, आप अपने बीकॉम का हम बात करें कि बीकॉम में टोटल हमें क्या क्या मिल जाएगा। ओके, सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रहेगा, ऑपरेशन रिसर्च। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि फर्स्ट सेम में आपको क्या क्या लेने में जोर देना चाहिए अगर आप ऑनर्स पे जाते हो तो। ठीक है, और उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बहुत पहले बना के रखा है। सो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और उसके अलावा आपको ऑपरेशन रिसर्च है, इन दोनों में ऑप्शन है, तो आपको जो लेना है वो लो। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च जो है उनको लेना चाहिए जो MBA करने का मतलब रखते हैं, एम रखते हैं, ये सब्जेक्ट वहाँ पे आपको मिल जाता है। हालांकि स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो स्टैटिस्टिक्स भी ले सकते हो, बट ये आपको उसके लिए ज़्यादा बेटर होता है। चलिए उसके अलावा यहाँ पे वेंचर प्लानिंग APS में अभी आपको, और अभी जैसे थर्ड सेम मिल रहा है तो यहाँ पर शायद थर्ड सेम ही आ रहा है, तो ये सेम ही रह गया अपना। कॉस्ट अकाउंटिंग फोर्थ सेम में है, बिजनेस मैथमेटिक्स एक फोर्थ सेम मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रहेगा, देन इसमें से किसी एक को चूज़ करना है, तो ये सब चीज़ जो आपको मिल जाने वाला है कहीं ना कहीं, सब वही है जो पहले था, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाता है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन आ जाएगा आपके पास में, एडवांस, ये सब हो गया मेजर वालों के लिए, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, तो इसमें शायद कोई दो लेना होगा आई गेस। ओके, दो या एक ही लेना होगा। ओके, तो ये सब रहेंगे फिर से आपको, फिर सिक्स सेम तक आपका जाके इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लॉ सिक्स सेम में अब चला गया, पहले ही आ जाता था, अब सिक्स सेम में डायरेक्ट चला गया। सो इस तरह से आपका ये जो है ख़त्म होता है। देन उसके बाद BA का है, तो आप मैं आपको कहूँगा कि आप जाके क्या करना, PDF डाउनलोड कर लेना और पूरा अच्छा से स्टडी कर लेना अपना। चलिए उसके अलावा हमने क्या रखा है, फीस रखा है, तो फीस तो हम बाद में बात करते हैं, फीस हमको तो नहीं लेना है, फीस तो कॉलेज चार्ज करेगा, तो मैं जस्ट आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी मुझे एक चीज़ देखना था, हाँ, कि यहाँ पर इसमें से अपने को ये तीन सब्जेक्ट अपने को कोर में मिले गए। ठीक है, अब लास्ट चल रहा था कि फर्स्ट सेम में आई गेस चार सब्जेक्ट मिल रहा था, चार पेपर मिल रहा था, इस बार से शायद पाँच या छः हो जाने वाला है, क्योंकि एनवायरनमेंट तो कंपलसरी है, रहेगा ही। अब इसके साथ क्या फंडा है क्या पंगा है पता नहीं, या तो इन दोनों में और मिल जाए क्या मिलेगा, बट तीन मतलब मान के चलो पांच पेपर आपको रहना है। ठीक है, फर्स्ट सेम के लिए अब देखते हैं कैसा आता है क्या आता है। ओके, चलिए सो ये ख़त्म हो गया अपना, अपने को इतना देख के रखना है। देन साथ साथ मैं यही बता दूं कि आप लोगों का बीकॉम के लिए, बीकॉम FA के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बीकॉम का कोर्स है वो यहाँ पे भी लॉन्च होगा ऑनलाइन, तो आप चाहो तो ऑनलाइन में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप गुवाहाटी के आसपास रहते हो, फटा से लाल गणेश इसके आसपास, अगर आमबाड़ी के आसपास रहते हो, तो हमारा इंस्टीट्यूशन अभी आमबाड़ी में ही है, तो आप वहाँ पर आकर फिजिकल क्लासेस भी कर सकते हो। ओके, सो इसके अलावा अगर दूर वाले हो तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी हो गया, डिब्रूगढ़ हो गया, सभी का जो है जो सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो कहीं ना कहीं सेम ही रह जाता है, तो हम एक ही बार में सारा क्लास कराते हैं, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा यूट्यूब पर, आप चाहो तो वहाँ से भी ज्वाइन कर लो, बाद में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं एक बार, अच्छा मेजर क्यों लेना चाहिए, ये तो आपको क्लियर ही होना चाहिए, मेजर का आजकल बहुत ज़रूरी है, तो मेजर आपको लेना चाहिए। सिंपल पास कोर्स शायद जो कुछ मतलब नीचे के जो कॉलेज होंगे वही देंगे, नहीं तो नॉर्मली मेजर सभी को आजकल दिया जाता है। चलिए एडमिशन की फीस की बात करें, तो HS फर्स्ट ईयर का जो टोटल है क्लास 11 का, इन लोगों का टोटल पड़ता है 580। कहीं ना कहीं ये लड़का और लड़की के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, ये बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा 500 का हेरफेर है आपके पास में, 500-600 का, तो यहाँ पर लड़कों के लिए 580 और लड़कियों के लिए 4000 कॉलेज को देना है, मुझे नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस वगैरह होता है, जो अगर CBSE से आते हैं या अदर बोर्ड से आते हैं, तो उनका माइग्रेशन चार्जेस वगैरह लिया जाता है, माइग्रेशन फी वगैरह। चलिए नेक्स्ट आपके पास में बीकॉम फर्स्ट सेम का, ये जो आप लोग हो तो 5350 यहाँ पे है KC का, और कहीं ना कहीं सारे कॉलेजेस का इसके आसपास ही रहता है प्राइवेट छोड़कर। ठीक है, कोई अगर ऑटोनॉमस है तो अपने मर्जी से कर लेता है, बट मैं कहूँगा कि आप कहीं से भी पढ़ो, GU रजिस्टर्ड ज़्यादा बेटर होता है, ऑटोनॉमस भी आजकल चल रहा है तो वो भी ले सकते हो। ओके, सिलेबस वही रहता है, सिलेबस वही रहेगा, बस पेपर जो है वो लोग खुद से बना लेते हैं, उनका मतलब उनके ऊपर है, और पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि प्राइवेट थोड़ा सा पड़ जाता है ना। ठीक है, अच्छा आगे और बात करें तो फिर अगेन सभी आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इस कॉलेज का सबका फीस जो है कहीं ना कहीं 5000 के आसपास ही मैंने देखा है, जो भी आप ले रहे हो। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, हाँ सब फी के बारे में ही है, तो ये सब आप PDF डाउनलोड कर पढ़ ही लोगे। ओके, इसको हटाते हैं, और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं। ओके, सो
आपको बस ये बताना था कि बीकॉम का जो सिलेबस है, अभी बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, हम लोग खुद ही नहीं पता था कि क्या क्या पेपर फर्स्ट सेम में हो जाएगा ये फोर ईयर वाला लफड़ाने के बाद में, तो अब हम लोग पता चल गया कि हाँ ये सब कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। और फोर ईयर प्रोग्राम में और क्या प्लस पॉइंट होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। ओके, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।